हेलो सारस, हाउ आर यू? यू हाय, रिमेम्बर मी? नमस्ते जी. यस यस, आई हैव टॉक टू यू बिफोर, राइट? वेयर आर यस, यू? मैं अभी लंदन में हूँ. उस वक्त मैं जयपुर से बात कर रही थी आपसे, अच्छा, हाँ मुझे याद आ गया, है ना तो सारस? बताइए. हाँ जी, बस इट्स रियली लवली सीइंग यू सारस मीरा, है ना. मैं बहुत फॉलो करती हूँ, सब कुछ करती हूँ. ग्लो तो बहुत है, नो डाउट आपके डाइट से, बट ये पता है जा नहीं रहा है ये. कैन यू सी सी जस्ट हेयर हेयर बर्स्ट आउट होता है, लेकिन वो पता नहीं, मुझे कभी तो लाइट लगता है, कभी डार्क लगता है. एंड ये नोज पे तो पता नहीं, देखिए आप. अच्छा, आई ये डोंट नो कितना टाइम, कितना साल हो गया इसको? सारस, वैसे तो इस बात को 6-7 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन बीच में एकदम अच्छा चला गया था. 2-3 साल पहले एकदम खत्म हो गया था. अच्छा, और शायद मैं हमेशा से डाइट अच्छी लेती थी, फिर आपके आपको देखने के बाद 1 साल से मैं अप्रैल से आपको फॉलो कर रही हूँ. बट बीच में घर में जयपुर में थोड़ी वेडिंग वगैरह थी, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया. बट स्टिल आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम जनवरी, जब से मैं लंदन में आई हूँ. मतलब मैं प्रॉपर आपको फॉलो कर रही हूँ, सुबह भी जिमिंग. जनवरी कौन सा वाला जनवरी? इस साल का जनवरी या लास्ट ईयर का जनवरी? इस जनवरी में वापस लंदन आई ना, मैं सितंबर में इंडिया गई थी, तो मैं आपको अप्रैल से फॉलो कर रही हूँ, अप्रैल 2021 से. ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू. चलिए देखते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बताएं मुझे, ओवरऑल कैसी है? सारस, मैं मॉर्निंग में जिम जाती हूँ, वीक में 2 बार मैं रन करती हूँ 12-12 किलोमीटर. बाकी दिन मैं जिम जाती हूँ मॉर्निंग में 1 आवर. तो पसीना स्वेट, जो जिम मुझे पसीना कम आता है, बट मैं ऐसी एक्सरसाइज करती हूँ जिससे मुझे स्वेट आए थोड़ा. और योगा भी करती हूँ, तो फिजिकल में तो कोई सुबह 1 घंटा एवरी डे होता है, अदर देन सैटरडे संडे. ये बताएं जिम में कैसे वर्कआउट करती हैं, मुझे एक्सप्लेन करें अपना वर्कआउट. देखिए, मंडे और थर्सडे को तो मैं 12 किलोमीटर रन करती हूँ, ठीक है, बाहर आउटडोर. और जिम में कार्डियो हो गया होगा. मैं ट्रेनिंग करती हूँ ट्रेनर के साथ, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग होती है मेरी. अच्छा, लेकिन अभी जब से, जैसे इंडिया में तो ट्रेनर होता है मेरा, यहाँ पे मैं अपने आप करती हूँ. तो जो भी फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, क्रॉसफिट होता है यूट्यूब पे देख के, और फ्राइडे को मैं योगा करती हूँ, उसे मैं 108 सूर्य नमस्कार करती हूँ. राइट, अच्छा, तो मतलब ठीक है, वो होता है 1 घंटा एवरीडे मॉर्निंग में होता है, ऐसा नहीं है. और खाने अच्छा. पीने का पूरा मॉर्निंग में मैं ग्रीन जूस लेती हूँ, जो कि आप कहते हैं ना कि सैलेड लेनी चाहिए. तो अभी फिजिकल एक्टिविटी में बात करते हैं, आप मुझे बताइए क्या आप ऐसे वर्कआउट करती हैं, आपने एक बार आपने लेग्स वर्कआउट किया, फिर आपने बैक वर्कआउट किया, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, ऐसे वर्कआउट करती हैं जाके आप? एग्जैक्टली Exactly. अच्छा, वन बॉडी पार्ट अ डे करती हैं या टू बॉडी पार्ट अ डे? नहीं, 2-3 हो जाते हैं. शोल्डर अपर पार्ट हो गया, फिर एक दिन लोअर पार्ट हो गया, ऐसे करती हूँ. अच्छा, ठीक है. चलिए अब आपकी फिर डाइट पे आते हैं. डाइट बताएं जरा, ओवरऑल क्या लेती हैं डाइट? मॉर्निंग में उठती ही तो आपका नारियल पानी लेती हूँ, उसके बाद हल्दी हनी का पानी लेती हूँ, उसके बाद मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, पानी बहुत पीती हूँ, फिर जिम और अपनी एक्टिविटीज में चले जाते हैं. आती ग्रीन जूस लेती हूँ, उसमें सैलरी, पालक, केल, सब कुछ होता है, ग्रीन जूस पूरा वेजिटेबल का एवरीडे वो लेती हूँ मैं. और उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंटरमिटेंट का रहता है, मतलब जूस तो मैं लेती हूँ, फिर मैं 2 बजे अपना प्रोटीन शेक लेती हूँ, उसमें मैं अपना लीन प्रोटीन, वे प्रोटीन एंड साथ में उसमें सारे ड्राइनेट्स वगैरह जो मैं सुबह सोक कर देती हूँ वो लेती हूँ. उसी में मैं चिया सीड, फ्लैक्स सीड होता है, उसी में तेल होता है, उसी में सारे ड्राई नट्स होते हैं. एंड योगर्ट के साथ लेती हूँ, कभी आमंड मिल्क के साथ लेती हूँ. तो 2 बजे अभी भी मैंने खाया है, वो बहुत हैवी होता है, और उसी के ऊपर मैं ब्लूबेरीज वगैरह डाल देती हूँ, फ्रूट्स. इट्स वेरी हैवी, मैं ज्यादा खा नहीं सकती. फिर बस शाम को हम लोग है ना डिनर करते हैं, और मैं हम लोग ग्लूटेन बहुत कम लेते हैं एक्चुअली, मी एंड माई हस्बैंड बोथ, वेरी रेयर वी डोंट ईट ग्लूटेन. तो वो सैलेड्स बेसिकली मेनली सैलेड्स वगैरह ही होती है शाम को. पहले तो बहुत सारी रॉ सैलेड होती है. ग्लूटेन से आपको एलर्जी है क्या? नो, वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो बोथ ऑफ अस डोंट एक्चुअली, हम अवॉइड करते हैं डेरी प्रोडक्ट्स. अवॉइड क्यों करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ क्यों अवॉइड करते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है ग्लूटेन ज्यादा नहीं लेना चाहिए कहीं से. नहीं, देखिए क्या होता है ना, जिन लोगों को सीलिएक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. ये अच्छा. बहुत रेयर केस होता है, 1% लोग होते हैं दुनिया में जिनको सीलिएक डिजीज होती है. Exactly. उनको ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज तो ये एक मार्केट का फंडा बना दिया कि ये ग्लूटेन फ्री है, ये ले लो, ये ग्लूटेन फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है. जिनको बीमारी होती है सीलिएक डिजीज, उन्हीं को ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए, बाकी पूरी दुनिया ग्लूटेन खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं. तो ये अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अच्छा ठीक है, उसके बाद खाना हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं. मैं डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ दही लेती हूँ, वो दिन में योगर्ट हो जाता है मेरा, आई डोंट टेक मिल्क. तो बस उसके बाद फिर रात को कुछ नहीं खाती मैं, सो ऑब्वियसली नहीं खा सकते, फिर सो जाते हैं. और फिर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, तो ये मेरा वो है. इसमें मैं प्रोटीन शेक भी ले रही हूँ, सारे सीड्स भी ले रही हूँ. अच्छा, सिनेमन पाउडर मैं
पे विदाउट फेलियर लेती हूँ। रात को सैलेड आप कितनी बार लेती हैं? ग्रीन्स लेती हैं मॉर्निंग में, उसके बाद सैलेड कितनी बार लेती हैं? शाम को, दिन में नहीं खा सकते, दिन में प्रोटीन शेक होता है, साइरस कितना खाएगा आदमी। इतनी डार्क डाइट देते हो, इतना खाने को बोलते हो, कांट ईट, नॉट पॉसिबल। अच्छा, देखो आपको जितनी भूख है ना उतना, जितनी भूख है ना उतना ही खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना, ठीक है? अब तो मुझे आपको थोड़ा डाइट में, मुझे प्रोटीन क्या ले रही है मुझे बताएं जरा, वे प्रोटीन के अलावा आप डाइट में कौन सा प्रोटीन ले रही हैं? नहीं, मैं वे प्रोटीन का सोर्स है, मैं बताती हूँ आपको। उसके अलावा जो रात को जो रॉ सैलेड के बाद जो हमारी डाइट होती है ना, नॉर्मली या तो सूप होता है अच्छा हैवी, या फिर लेगम्स होते हैं जैसे बीन सैलेड्स वगैरह होती है, इसमें राजमा चावला वगैरह, प्रोटीन स्प्राउट्स होते हैं, नॉट एवरीडे बट वीक चार बार तो ये पक्का 100% होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिश ऑयल लेती हूँ मैं सोने से पहले, ठीक है, और दिन में मल्टी विटामिन एंड आपका ये कैल्शियम्स लेती हूँ मैं, विटामिन सी, सॉरी विटामिन सी, मेरा मल्टी विटामिन में सब कुछ है, B12 मैं मॉर्निंग में, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ना डाइट में लग रहा है, आप डाइट में ना प्रोटीन के सोर्सेज है ना उनको थोड़ा इंक्रीज करो, जैसे सोया चंक्स आपने थोड़ा सा बना लिया, आपने पीनट बटर थोड़ा सा ले लिया, दही लेती हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, पीनट बटर एवरी डे खाती हूँ, मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, एक चम्मच ही बस मुझे, कोई बात नहीं, दो चम्मच ले सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप पनीर की सब्जी हो गया, कभी थोड़ा सा सत्तू ले लिया आपने, सोया चंक्स, इनको थोड़ा सा ना प्रोटीन इंक्रीज करें, नेचुरल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं, इनको थोड़ा सा इंक्रीज, एग वगैरह लेती हैं कि वेजिटेरियन पूरी? अच्छा, प्योर प्योर वेजिटेरियन। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वीगन है मैं तो फिर भी दही ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सोया चंक्स या कभी स्प्राउट्स, थोड़ा इन प्रोटीन के जो सोर्सेज है इनको इंक्लूड करो, और सैलेड प्लीज आप दो टाइम लो, लंच और डिनर में सैलेड लेना ही लेना है आपको, ठीक है? तो मुझे बताओ आपको कितना डिफरेंस आया है, अगर आप कह रही हैं कि अप्रैल से आप फॉलो कर रही हैं प्रॉपर, कितना डिफरेंस आया? बीच में डिसकंटिन्यू हुआ था, घर में शादी थी, तो आपको पता है ना कितनी लाइफ सोशल होती है, तो नहीं हो पाता, बट मैं अपना ध्यान रखती हूँ, और ये अप्रैल से ले रही हूँ तो फर्क तो देखिए है, वो लाइफ कितना परसेंटेज, मतलब बता कितना परसेंटेज लगा आपको? 30-40% तो है, बट वो कभी डार्क हो जाता है, कभी लाइट हो जाता है, ऑफकोर्स धूप में थोड़ा एक्टिव हो जाता है, पिगमेंटेशन ग्लो तो बहुत है, नो डाउट आपकी डाइट से ग्लो तो बहुत है, मतलब ग्लो तो बहुत है, एवरीवन सेज दिस, बट ये पैचेस है ना जो कभी भी नहीं लगते थे, अभी तो इतने खराब लगता है ना। अच्छा, कोई दवाई वगैरह तो नहीं चल रही आपकी? थायराइड है मुझे, मैं थायराइड का मॉर्निंग। अच्छा ओके ओके ठीक है, और स्ट्रेस वगैरह तो नहीं लेती हैं आप कुछ? स्ट्रेस वैसे तो नहीं सारस, बट छोटी छोटी जिंदगी में चीजें होती है ना, वैसे स्ट्रेस नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक, स्ट्रेस हो सकता है थोड़ा सा कभी हो जा रहा है, चलो आपने सप्लीमेंट ले रही अच्छी बात है, लेकिन आई स्टिल फाइंड कि थोड़ा सा डाइट में ना आप थोड़े से प्रोटीन का सोर्सेज इंक्रीज करो, थोड़ा सा सैलेड इंक्रीज करो, फ्रूट्स वगैरह आप लेती हैं? फ्रूट्स भी इंक्रीज करने हैं? हाँ, तो बस इन दो तीन चीजों को ऐड करो, आई एम श्योर ये चला जाना चाहिए, इतनी देर तक रुकना नहीं चाहिए अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रही है डाइट को, और पानी खाने पीने का कोई फ्राइड मीठा शुगर तो मैं खाती भी नहीं, शुगर अच्छा नो फ्राइड, हमारी डाइट में कभी भी नहीं होता ये। अच्छा चले ठीक है, थोड़ा सा बस ये दो तीन चीजें मुझे बताइए, इनका ध्यान रखिए, आई एम श्योर ये चला जाना चाहिए, इतनी देर तक रुकना नहीं चाहिए आपका, ठीक है जी? आई कम बैक आफ्टर 2 months, मैं मतलब श्योर श्योर तो आऊंगी, लेती हूँ रिलीजियसली, आज ही चंक को सोक कर, डाइट को बीच में डिसकंटिन्यू मत करिए, बस मेक श्योर कि आप ऐसे ही लेते रहे, आई एम श्योर चला जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके, एंजॉय, थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच। चलिए किसी और को लाइव लेते हैं, शर्मा जी आ गए हैं।